सो गाइज, हम देखने वाले हैं आप आईफोन को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। आप देख रहे हैं सेटिंग का आइकन। अगर आपने अभी भी नया फ़ोन लिया है और आप उसे अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके बाद गाइज आपको इसे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर जनरल का ऑप्शन मिलेगा। आपको जनरल में जाना है और आप ऊपर देख रहे हैं अबाउट के नीचे सेकंड ऑप्शन है सॉफ्टवेयर अपडेट का, आपको यहाँ पर टैप करना है। जैसे ही अपडेट करेंगे तो चेकिंग फॉर अपडेट चेक कर रहा है अभी, आपको दिखा दे अगर आपके पास कोई अपडेट। अगर आपने नया फ़ोन लिया होगा तो डेफिनेटली आपके पास अपडेट होगा, और जिनके पास पहले ही आईफोन है वो दोस्तों उनको तो सब पता ही है। तो आप देखेंगे iOS 15.7, तो ये गाइस हमारे पास अपडेट आया है। दिस अपडेट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी अपडेट एंड रिकमेंडेड फॉर ऑल यूज़र। और नीचे आप देखेंगे हमारे पास आल्सो अवेलेबल, यानी कि हमारे पास अपग्रेड टू iOS 16 का भी अपडेट आया हुआ है। तो पहले हम ये देखते हैं, ये हमारे पास iOS 15.7 का अपडेट है। आप अपडेट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि आपकी बैटरी है जो 50% से ऊपर हो, अगर आपकी मोबाइल की बैटरी हेल्थ अच्छी है तो, नहीं अदरवाइज़ आप चार्जर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो और उसके बाद डाटा देख लें आप अपने पैक में, या फिर आपके पास वाईफाई है, आपके पास सफिशियंट डाटा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 379.1 MB का अपडेट हमारे पास, तो हम इसे अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर टैप करते हैं। आपको इसे एग्री कर देना है। कंटिन्यू कर देना आपको, क्योंकि हम ये मोबाइल डाटा पे ही से अपडेट करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं गाइस जी, अपडेट रिक्वेस्टेड, तो ये अपडेट शुरू हो गया है। अबाउट 1 मिनट रिमेनिंग। तो जैसे मान लीजिए आप 100 MB का, 150-200 MB का जो वैसे बेसिकली होता है एंड्रॉयड में, ये आप नॉर्मली कर सकते हैं 300-400-500 MB तक, जो आप अपने मोबाइल डाटा से ही कर सकते हैं। रिपेयरिंग अपडेट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये दिखा रहे हैं रिपेयरिंग अपडेट। तो चलिए हम इसे थोड़ा बीच में फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो गाइस आप ये देख रहे हैं यहाँ पे डाउनलोडेड दिखा रहा है, आपको इंस्टॉल नाउ पे टैप करना है। तो आप देखेंगे डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल भी हो चुका है और अभी ये प्रिपेयर कर रहा है इसे। तो गाइस देख रहे हैं अभी लगभग इंस्टॉल हो चुका है, और आप अपडेट जब भी करें, आप फ्री टाइम में करें जब आपके पास फ्री टाइम हो। तो आप देखेंगे योर आईफोन हैज़ बीन अपडेटेड ऑन iOS 15.7। तो चलिए, और उससे पहले गाइस जब तक ये स्क्रीन आप, तो गाइस जब तक आपके सामने ये स्क्रीन ना आ जाए तब तक आप कोई बटन प्रेस ना करें आईफोन का, बेसिकली जब आप डाउनलोड शुरू कर देते हैं तो। तो चलिए सेटिंग में चलते हैं, जनरल में। तो अब आप देखेंगे योर आईफोन सॉफ्टवेयर इज अप टू डेट, और नीचे देख रहे हैं आल्सो अवेलेबल अपग्रेड टू iOS 16। तो ये हम बाद में अपडेट करने वाले हैं, क्योंकि ये लगभग 3 से 4 GB का अपडेट है गाइज। अगर आप अपाउट में चेक करते हैं तो देखेंगे सॉफ्टवेयर वर्जन 15.7। तो इस तरह सिंपली आप अपने मोबाइल को अपडेट कर सकते हैं, अपने मोबाइल का आईफोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं खुद से ही।
तो थैंक्स फॉर, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।